हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नुरुल। मेरे कोलकाता होम्योपैथिक टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मैं आज सल्फर का डिस्कशन आप सबों के सामने लेके आया हूँ। ये होम्योपैथी जगत में, ये होम्योपैथी में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ड्रग है, जिसको होम्योपैथी में किंग ऑफ एंटीसोरा भी कहते हैं। दोस्तों, ये होम्योपैथी बहुत ही बेस्ट ड्रग है, जो 30% या 40% प्रॉब्लम में अकेला राज करता है। दोस्तों, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक सिम्टम मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा कि सल्फर किस तरह का देखने का होता है, इतना इसका इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी जगत में। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है दोस्तों, खरा रहना पसंद नहीं करता है। कभी भी खरा थोड़ा सा रहे, थोड़ी देर में खरा रहे तो पेशेंट थक जाता है, तो एक ख्वाहिश होता है कि हम थोड़ा सा आराम करें, सो जाए। दोस्तों, सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही गंदा पेशेंट होता है, जिसका स्किन प्रॉब्लम होता है या और भी अदर्स कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये इसका थिंकिंग होता है कि अगर हम नहाएं तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, जिसके वजह से एकदम बिल्कुल ये नहाने नहीं चाहता है। ऐसा पेशेंट को अगर आप देखें तो आप सल्फर इनको दे सकते हैं। दूसरा इनका सिम्टम है, ये तो खुद गंदा है मगर दूसरे को ये गंदा समझते हैं। इसका होंठ ऐसा लाल रहता है, लगता है कि बास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कोई चीज़ लगे तो खून निकल जाएगा। सल्फर को कभी भी हाई डोज ना दें, बड़ा डोज ना दें, इसका बहुत ही सिंगल डोज दें और लो पोटेंसी में दें। एक खुराक या दो खुराक दें, इसी से इसका प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी सल्फर को आप जल्दी रिपीट ना करें, ये देखें कि इसका प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ते कितना दूर तक अच्छा होता है। इसका प्रॉब्लम और अच्छा नहीं होने जाता है तब इसको रिपीट अप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम और भी है, पेशेंट हमेशा महसूस करता है कि हम अच्छे हैं और दूसरे को ये कमज़ोर महसूस करते हैं, या दूसरे को, हालांकि ये बहुत ही दुबला पतला पेशेंट होता है, इसका जो भी प्रॉब्लम हो रात में बढ़ जाता है। स्किन प्रॉब्लम खास करके रात में बढ़ जाता है, एक क्लाइमेटिक पीरियड में इसका बहुत सारे मेलिग्नेंट देखा जाता है, ट्यूमर देखा जाता है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले एक नया वीडियो के साथ फिर आप सबों से मिलेंगे। जय हिंद।